हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, आज मैं छोटा सा मेकअप वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैंने बिना किसी फाउंडेशन, बिना किसी मतलब आई शेडो वगैरह के इस मेकअप लुक को मैंने डन किया है, जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मतलब बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं जिनके पास मेकअप प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, तो उनको लगता है कि मेरा मेकअप तो अधूरा रह जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, अगर आप मेकअप करने को ठान लिए हो तो छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से फेस को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं हमेशा की तरह मतलब स्किन पर मैं गुड वाइब्स का रोज सीरम अप्लाई करती हूँ। सीरम मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और हम सबको अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा स्किन हाइड्रेट हो जाता है और बहुत अच्छा मतलब हेल्दी स्किन रहता है। और उसके बाद मैंने अपने हाथ पे वैसलीन का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी आप मेकअप अप्लाई करें तो साथ में अपने लिप को, अपने हाथ को, अपने नेक एरिया को, केवल फेस को नहीं आप मेकअप करें, पूरे हाथ, पूरे स्किन, लिप वगैरह सबको मॉइस्चराइज करें। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है मेकअप का। तो गाइज़ यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद फिर मैंने अपने लिप पर लिप बाम अप्लाई किया हुआ है। और तो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास मेकअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ NYBA का ये कंसीलर है, जो कि मेरे सेट से भी मैच नहीं करता है, लेकिन मैं इसी वजह से मैं इसे बहुत थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो ये मेरे तो सेट से थोड़ा सा लाइट है ये सेट मतलब कंसीलर का। तो आप देख सकते हैं मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरे फेस पे धीरे धीरे डैब डैब करके इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे कंसीलर को अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो और मेरे पास केवल ये दो पैलेट है, जिसमें एक में मुझे ब्लश और शुगर का पैलेट है, ब्लश है, ब्रोंजर है और हाइलाइटर है, और साथ में एक आई शेडो पैलेट है जिसमें मतलब मैट का कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ मेरे पास मतलब ग्लिटरी सेट है। तो यहाँ पे मैट फिनिश के लिए मैं अपने लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी, जो कि है लोरियाल का रेड कलर का लिपस्टिक है मेरे पास, बहुत ही अच्छा है, मैं इसे डेली अप्लाई करती हूँ। मैं डेली में मतलब हमेशा मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा ये लिपस्टिक अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई मतलब हल्का सा लगाया है, उसके बाद अपने फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। डायरेक्ट ग्लिटर मैं अप्लाई नहीं करूँगी, पहले मैं अपने कपड़े से मैचिंग कुछ मतलब आई शेडो का कलर पिक करूँगी अपने आईलिड के ऊपर, जिससे थोड़ा सा मेरा आई मेकअप थोड़ा सा अच्छा लगे। तो गाइज़ यहाँ पे अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इस समय मेकअप ब्रश भी नहीं है, तो मैं केवल अपने फिंगर टिप की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया है, जो कि मतलब लोकल मार्केट से मैंने 5 या 10 रुपीज़ का ही लिया था, तो इसका मुझे नाम वगैरह कुछ भी नहीं याद है। तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को भी फिल कर लिया। अब मैं अपने आई शेडो के ऊपर, जो मैंने आई शेडो लगाया हुआ लिपस्टिक से, उसके ऊपर मैं जो आई शेडो है शिमर वाला, उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर मैं पिक करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साड़ी का जो बॉर्डर है वो गोल्डन और रेड कलर की मेरी साड़ी है, तो बिल्कुल उसी से मैचिंग हल्का सा आई शेडो आई का लुक आ जाएगा। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आप चाहें तो बिल्कुल रेड भी ऐसे छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना आई लाइनर और मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे ये वाला कलर भी पिक करना चाहिए, तो मैंने आईलिड के ऊपर मतलब बिल्कुल सेंटर में इनर कॉर्नर से लेके और सेंटर तक मैंने गोल्डन कलर पिक किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर को भी आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर दिया। तो गाइज इससे थोड़ा सा आई मेकअप अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और बहुत मुश्किल हो रहा है फिंगर टिप की हेल्प से मुझे आई शेडो लगाने में, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने शुगर के पैलेट से जो ब्रोंजर वाला कलर है, उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के कॉर्नर पे लेके और उसे हल्का सा अपने फेस को ब्रोंजर कर रही हूँ, ताकि फेस मेरा थोड़ा सा दुबला पतला सा दिखाई दे और थोड़ा सा शार्प दिखाई दे। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस हल्का सा पिंकिश लुक मेरे चिक्स पे आ गए हैं और नोज एरिया पे, और आप देख सकते हैं आई मेकअप भी लगभग ठीक ही ठाक लग रहा है। अभी मुझे आईलाइनर वगैरह अप्लाई करूँगी तो और ज़्यादा आई मेकअप थोड़ा सा अच्छा क्लीन दिखेगा। अभी तो थोड़ा सा ऐसे मैशी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आईलाइनर वगैरह लगाने के बाद, पूरा फुल मेकअप होने के बाद ही मेकअप मतलब पता चलता है। उसके बाद मैं अपने आईज़ के नीचे अंडर आईज़ पे थोड़ा सा मैं कंसीलर और अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे अंडर आईज़ पे हल्का हल्का डार्कनेस लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये कंसीलर मेरे सेट से थोड़ा सा एक दो नंबर ज़्यादा है,
उसके बाद मैंने यहाँ पे मेवलिन का फेस पाउडर अप्लाई किया है। तो फेस पाउडर लगाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर रहा है मेरा फेस। तो गाइस मेरे पास कोई लूज पाउडर वगैरह नहीं था, बस केवल कॉम्पैक्ट पाउडर था, तो उसी से मैंने मेकअप अप्लाई कर लिया है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई किया है। बहुत ही फ्लॉलेस सा लुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने आईज़ पे अप्लाई किया है आईलाइनर और मस्कारा। तो मैंने ये लोकल मार्केट से ही 50 रुपीज़ का, मतलब सेम प्राइस का ही, दोनों 50-50 का ही आईलाइनर मस्कारा था, जो कि आईलाइनर तो दोनों ही वाटरप्रूफ था। आईलाइनर तो ठीक था, उसके ब्रशेस वगैरह भी काफ़ी थिन थे, अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया था। लेकिन जो मस्कारा था ना, उसका स्मेल गाइज इतना गंदा था, इतना बुरा था, मैं क्या बताऊँ। मैंने ज़्यादा उसे अप्लाई किया भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई मेकअप भी मेरा हो चुका है, फेस मेकअप भी लगभग हो चुका है। मस्कारा को मैंने जैसे ही एक दो कोट अप्लाई किया, उसके बाद मुझे अजीब सा स्मेल कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा अप्लाई किया ही नहीं, छोड़ दिया बिना मस्कारा के ही। मैंने अपने आईज़ को केवल आईलाइनर से ही मेकअप डन किया हुआ है। उसके बाद मैं अपने बिंदी को लगाऊंगी और बिंदी को हल्का सा मैं डेकोरेट करूंगी कुमकुम से। तो कुमकुम लगाने के बाद थोड़ा सा बिंदी का, मतलब थोड़ा सा साइज़ बड़ा लगने लगता है और अच्छा भी लगता है बिंदी का लुक जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मस्कारा को भी नहीं अप्लाई किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया केवल आईलाइनर लगा के। और उसके बाद मैं पफ की हेल्प से अपने अंडर आइज़ पे जो, मतलब फाइन लाइंस वगैरह होता है, उसको हल्का सा हाइड करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं हल्का सा वो अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश अपने नोज़ एरियाज़ पे और चिक पे और थोड़ा सा ये, मतलब लिप के नीचे हल्का सा ब्लश अप्लाई करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, पिंकिश लुक आता है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया काजल, और काजल मेरा शुगर का है। कुछ सामान मेरे पास थे तो मैंने ब्रांडेड अप्लाई किए हुए हैं, कुछ सामान मेरे पास नहीं था तो मैंने लोकल सोकल से अप्लाई कर लिया। लेकिन करीब करीब मेरा मेकअप अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा मेकअप हुआ था। तो गाइस साड़ी तो मैंने वेयर कर लिया है, आपको कैसी लग रही है गाइस आप लोग बताइएगा। और इसका मैं कोड आपको दे दूंगी, ये साड़ी मैंने मीशो से लिया था और बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो गाइस अगर आप लोग को भी लेना होगा तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में इसका कोड, तो आप लोग वहां से परचेज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। अगर आप न्यू मैरिड हो तो आप इस साड़ी को ज़रूर, मतलब बाय करो। और इसका मैं पूरा लुक भी आपको दे दूँगी मेरे पास। तो चलिए मैं अपना हेयर स्टाइल बना लेती हूँ आज के लिए, तीज के लिए। सेंटर के बालों को लेके और ऐसे ऐसे रोटेट करते करते मैंने पीछे पिन अप कर लिया है, सेंटर से ऐसे करके बन बना लिया है। और अब मैं लगाऊंगी अपने बालों में गजरा। तो गाइज उसके बाद मैं अपने ज्वेलरी कैरी कर लूँगी, और झुमका, मंगलसूत्र, इसके साथ बहुत हैवी हार वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साड़ी में ऑलरेडी बहुत एम्ब्रॉयडरी हुआ रखा है, और इसलिए मैंने केवल मंगलसूत्र और एक सिंपल सा झुमका ही मैंने कैरी किया हुआ है, क्योंकि चूड़ी और साड़ी वैसे ही बहुत हैवी है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा ऑल ओवर लुक ये रहा। तो गाइज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम चीज़ों से इस मेकअप को डन किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक प्यारे